नमस्कार, टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज हम लोग G7 के बारे में जानेंगे। वैश्विक स्तर पर जब कुछ देश अपने सामान्य उद्देश्यों को लेकर किसी वैश्विक संगठन का निर्माण करते हैं तो अपने उद्देश्यों एवं योजनाओं पर चर्चा करने के लिए समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। हाल ही में G7 एक ऐसी संगठन रही है जो अपने होने वाले सम्मेलन को लेकर चर्चा में रही। कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की, लेकिन हाल ही में उन्होंने पहले से प्रस्तावित इस सम्मेलन को सितंबर तक के लिए टाल दिया है। यह सम्मेलन 10 से 12 जून 2020 के मध्य अमेरिका के कैंप डेविड में प्रस्तावित थी। कोरोना वायरस महामारी के दौर में G7 के महत्व एवं भूमिका पर प्रश्न उठाए गए। G7 के सदस्य देश ऐसे देश हैं जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हैं। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। ट्रंप अब G7 को समाप्त कर इसके स्थान पर G11 का प्रस्ताव लेकर आए हैं। G11 में रूस, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारत को भी शामिल करने की बात की गई है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बारी बारी से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष देश ही उस वर्ष का एजेंडा भी निर्धारित करता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। मेजबान देश द्वारा वैश्विक नेताओं को सम्मेलन में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा जाता है। इस सम्मेलन में आमंत्रण द्वारा गैर सदस्य देश भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैश्विक संगठन भी इसके सम्मेलन में भाग लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व व्यापार संगठन, यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन आदि शामिल होते हैं। पूर्व के वर्षों में चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश आमंत्रण के माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। आपको बताते चलें कि इस समूह की स्थापना फ्रांस द्वारा वर्ष 1975 में समूह 6 के नाम से किया गया था, जिसमें विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका थे। एक वर्ष बाद ही वर्ष 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया और इस समूह का नाम बदलकर समूह 7 G7 कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद 1997 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया और मंच का नाम बदलकर समूह 8 कर दिया गया। लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन में क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को इस मंच से निष्कासित कर दिया गया और तब से यह मंच समूह 7 G7 के नाम से ही जाना जाता है। विश्व के कई देशों का मत है कि G7 की छोटी और अपेक्षाकृत समरूप सदस्यता सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा तो देती है, लेकिन इसमें लिए गए उन निर्णयों का अंतिम परिणाम तक पहुँचाने की इच्छा शक्ति का अभाव है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अन्य सदस्य देशों के साथ अमेरिका का टकराव है। बेहतर होता अगर G7 आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, गरीबी और बीमारियों के उन्मूलन पर ध्यान देता। वैश्विक आर्थिक महाशक्ति होने के नाते G7 सदस्य देशों का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों बनती है।